नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर देवरे में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने अपने रिजल्ट पेश किए हैं, तो चलो देखते हैं। पिछले साल तो कोरोना का इम्पैक्ट था, ईयर ऑन ईयर तो रिजल्ट अच्छे रहेंगे, पर क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट अच्छे पेश किए हैं या नहीं। तो जो फिगर्स दिए हैं वो रुपीज़ इन लैक्स में है, तो देखते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इनको। टोटल इनकम देखेंगे, पिछले साल था 51,715, पिछले क्वार्टर में 2,11,069, और अभी देख सकते 1,86,767, मतलब ईयर ऑन ईयर तो जंप है। पिछले साल कोरोना का इम्पैक्ट था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट नज़र आ रही है। टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं, पिछले साल 51,499, पिछले क्वार्टर में 2,04,932, और अभी देख सकते हैं खर्चे 1,84,387, ईयर ऑन ईयर तो जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट नज़र आ रही है खर्चों में भी। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं, कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा। तो पिछले जो साल था 160 था, पिछले क्वार्टर में 4,426 लाख का प्रॉफिट था, और अभी देख सकते हैं 1,816 लाख का प्रॉफिट है, मतलब ईयर ऑन ईयर तो जंप नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ज़्यादा ही, मतलब 50% से भी ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है, मतलब अच्छा खासा इनके बिजनेस के ऊपर इम्पेक्ट हुआ है। EPS भी देख लेते, EPS के फॉर्म में पिछली ईयर का जो EPS था वो 0.28 था, पिछले क्वार्टर का 7.61, और अभी देख सकते हैं 3.10, मतलब ईयर ऑन ईयर तो जंप है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट नज़र आ रही है। तो क्या एस्टिमेट बीट किए हैं या नहीं, यह देखते हैं। मार्केट के हिसाब से देखें तो एस्टिमेट बीट मिस एस्टिमेट हुए हैं, देख सकते हैं उनके ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छा जंप दिखाए हैं, 1,035% का, जो कुछ मायने नहीं रखता क्योंकि कोरोना का इम्पेक्ट था। ईयर ऑन ईयर जंप दिखाई दे रही है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट है। तो देख लेते हैं आज के दिन का परफॉर्मेंस क्या रहा डिक्सन टेक्नोलॉजी का। तो देख सकते हैं 0.67% तक आज डाउन नज़र आ रहा है, 5 दिन में देखें तो 2.39% तक आप डाउन है, 1 माह में देखें तो 0.57% तक आप दिख रहा है, और 6 माह में देखें तो 60% तक अपने शेयर होल्डर को इस कंपनी दिया है, 1 साल में देखें तो 217%, मतलब 1 लाख को 3 लाख के ऊपर कंपनी ने बना के दे दिया है सिर्फ 1 साल में। तो कैसा रहता है, कभी कभी एस्टिमेट बीट हो जाते हैं, बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो क्या अगला क्वार्टर में भी कंपनी अपना रिजल्ट कैसे पेश करती है देखते हैं, क्योंकि कंपनी में किसी भी प्रकार की खामी नहीं है, अपने सेक्टर के सेक्टर लीडर कंपनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।